महगांव गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबे चार बच्चों की मौत हो गई। थाना महगांव क्षेत्र के वन खंडेश्वर मंदिर के पास तालाब में गणेश विसर्जन के दौरान चार बच्चे वन खंडेश्वर भटियारे तालाब में नहाने गए थे। नहाते वक्त डूबने से चारों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पुलिस नहीं होने और प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाया। एक लड़के प्रशांत पुत्र राजू कुशवाहा को ग्वालियर लेकर जा रहे थे, लेकिन मृत्यु हो गई। हालांकि सूचना पर मौके पर रेस्क्यू और पुलिस टीम पहुंची। मृत बच्चों के नाम अभिषेक पुत्र राजू कुशवाहा, सचिन पुत्र मधुराज राजावत, हर्षित पुत्र कृष्णवीर राजावत और प्रशांत पुत्र राजू कुशवाहा, हाल निवासी गढ़ मोहर रोड महगांव के रूप में पहचान हुई है। सभी 12 से 13 साल के थे। करू चौधरी, ये चार लड़के डूबे, क्या मामला है पूरा? चार लड़के, वहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। जब तुम्हें पता है वहाँ वो चीज़ होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए, तो वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं। कहाँ पे नहीं था? ये बनखंडेश्वर को, ठीक है। एक घंटा फ़ोन कर दिया पुलिस को, 100 नंबर को, तब तक वहाँ तक पुलिस नहीं आई। कितनी दूरी है थाने से लेकर बनखंडेश्वर? क्या हुआ है वहाँ? वहाँ चार लड़के खत्म हुए। कैसे खत्म हुए? पानी में डूब के। अपन ने बहुत प्रयास किया उन्हें बचाने का, अगर अपन बचाने का तो पुलिस व्यवस्था पूरी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े बच्चे थे? इतने बड़े बड़े बच्चे थे, कोई 10-11 साल का, कोई 15 साल का, छोटे छोटे लड़के। ये क्या व्यवस्था थी कि किस कारण खत्म हुई थी? घटना बेहद दुखद है, पीड़ादायक है, और इस संकट के समय में जिन परिवारों के चिराग बुझे हैं, मैं उनके साथ हूँ। प्रशासन पूरा उनके साथ है। जो जानकारी आई है वो ये है कि 10 से 12 साल के मासूम बच्चे थे, तालाब में नहाते वक्त संभवतया एक दूसरे को बचाने के प्रयास में ये घटना हुई है। जैसे ही ये बात प्रशासन के संज्ञान में आई, तत्काल जो भी प्रयास हो सकता था संभव वो किया। इस संकट के समय में अभी कलेक्टर साहब की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये की तत्काल सहायता राशि उनको उपलब्ध कराई गई।